दोस्तों, एनएलसी इंडिया लिमिटेड के द्वारा जो है शानदार भर्ती निकाली गई है। भारत सरकार की एक जो है एनर्जी सेक्टर की कंपनी है जो कोल माइनिंग का काम करती है। ये जो है इंटरप्राइज कंपनी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, नवरत्न गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इंटरप्राइज है। और इस कंपनी में क्या होता है ना कि कोल मतलब जो कोयला होता है उसकी माइनिंग की जाती है। तो इसी के अंतर्गत आपको जो है वैकेंसी देखने को मिलेगी। और भी इनके बहुत सारे काम है, एनर्जी उत्पादन करना देख रहे हैं, सोलर पावर का भी ये लोग काम करते हैं, तो ये भी इस तरह से आप देख रहे हैं विंड पावर का भी ये लोग काम करते हैं। तो इसके अंतर्गत जो है, इस कंपनी के अंतर्गत जो है क्या है ना कि वैकेंसी निकाली गई है अलग अलग पदों पे, जिसमें क्लर्क की वैकेंसी है, इसके अलावा देखेंगे आपका वर्कर की वैकेंसी है, इसके अलावा देखेंगे तो आपको जो है जेई की वैकेंसी है, सिविल का, मैकेनिकल का और इलेक्ट्रिकल का। तो अगर आप इलिजिबल है तो इसका फॉर्म भर सकते हैं। इसका आवेदन जो है स्टार्ट कर दिया गया है। कैसे आपको फॉर्म को भरना है स्टेप बाय स्टेप मैं आपको जो एक लाइव फॉर्म फिल करके भी बताऊंगा, ताकि आपको फॉर्म फिल करने में किसी प्रकार की मिस्टेक ना हो। 25 मार्च से लेकर इसका जो है रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है और आप जो है 2 मई 2024 तक फॉर्म को अप्लाई कर सकती हैं। और इसका जो लास्ट डेट है फॉर्म फी जमा करने का वो है 3 मई। तो अभी आपके पास बहुत शानदार ऑप्शन है फॉर्म भरने का। अभी जो है आपके पास लगभग 7-8 दिन समय है, फॉर्म भर सकते हैं। और इसमें आपका फी भी लगता है फॉर्म भरने का, वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहले मैं आपको थोड़ी सी जानकारी यहाँ पे देता हूँ कि ये वैकेंसी किस प्रकार की है, इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, एलिजिबिलिटी एज लिमिट। देखिए, ये एंगेजमेंट जो हो रहा है, मतलब ये जो आपकी जॉब लगेगी, ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आपकी होने वाली, फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट बेसिस पे होने वाली है। और तालाबीरा प्रोजेक्ट जो है इनके द्वारा किया गया है, उसके अंतर्गत आपको यहाँ पे डिप्लॉय किया जाएगा। आप गूगल में जाकर सर्च कर सकते हैं तालाबीरा प्रोजेक्ट कहाँ पे काम हो रहा है, जो कि तमिलनाडु में ही आई थिंक हमको लग रहा है ये हो रहा है। इसे बात करें सैलरी की, तो इंडस्ट्रियल वर्कर के देखेंगे एक पद है जिसमें 30,000 सैलरी है, 12वीं के साथ साथ आईटीआई पास होनी चाहिए। इंडस्ट्रियल वर्कर के देखेंगे तो 12वीं के साथ साथ आईटीआई, इसमें 3 पद है, 30,000 सैलरी है। इंडस्ट्रियल वर्कर फीटर के देखेंगे तो 30,000 सैलरी के साथ 2 पद रहने वाले हैं, इसमें 12वीं के साथ साथ आईटीआई चाहिए। और इंडस्ट्रियल वर्कर मैकेनिक मोटर के 2 पद है, 30,000 सैलरी है, 12वीं के साथ साथ आईटीआई मोटर मैकेनिक में होना चाहिए, मोटर व्हीकल में। इसके अलावा वायरमैन के देखेंगे तो 1 पद है, 12वीं के साथ आईटीआई होनी चाहिए। क्लर्क असिस्टेंट की वैकेंसी इसमें अच्छी खासी है, 17 पद है, 30,000 सैलरी है, और कोई भी डिग्री कैंडिडेट्स फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, फुल टाइम डिग्री कर चुका है। इसके से आपका जूनियर इंजीनियर सिविल मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के जो है 5, 2, 1 ऐसे करके 7 पद है, 38,000 सैलरी है। आप फुल टाइम या पार्ट टाइम डिप्लोमा किए हुए 3 इयर्स ड्यूरेशन वाला सिविल से, तो आप सिविल वाले में फॉर्म भरेंगे, मैकेनिकल से तो मैकेनिक वाले में, और इलेक्ट्रिकल से किया तो इलेक्ट्रिकल वाले में आपको फॉर्म को अप्लाई करना होगा। इसमें बात करें एज लिमिट की, तो यहाँ देखिए एज लिमिट 1 मार्च 2024 को काउंट करे जाएंगे। और यहाँ पे आपको कैटेगरी वाइज जो है एज लिमिट दिया हुआ है, 30 वर्ष आपकी उम्र सीमा यहाँ पे रखी गई है। आप यहाँ पे देख पाएंगे सबके लिए यहाँ पे दिया हुआ है, कहीं कहीं 35 वर्ष SC ST को यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, तो उनको छूट मिलता है। यहाँ देखिए 33 वर्ष का छूट है क्लर्क असिस्टेंट वाले में, बाकी सब में जो है 30 वर्ष का उम्र सीमा यहाँ पे रखा गया सबके लिए। इसके बाद यहाँ पे बात करें आपके जो है रिजर्वेशन का, तो जो सेंट्रल लेवल का रिजर्वेशन होता है आपका लागू होगा। यहाँ मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करें तो रिटन एग्जाम होगा 100 मार्क्स का, जिसमें मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे, और नो निगेटिव मार्क, कोई निगेटिव मार्किंग आपका नहीं होगा अगर आप रॉन्ग आंसर करते हैं तो। यहाँ पे आपका जो है पार्टिकुलर सिलेबस समझाया गया है, किसके लिए क्या सिलेबस रहने वाला है, और इसी के बेस पे आपका सिलेक्शन यहाँ पे होने वाला है। तो फॉर्म स्टार्ट है फ्रेंड्स, अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो भर दीजिएगा। चलिए हम बात करते हैं कैसे फॉर्म को भरना है। थोड़ा सा हम एप्लीकेशन फी के बारे में बता दें। अगर आप जो है ग्रेड वाले पोस्ट पे फॉर्म भरेंगे, जो F1 ग्रेड में आता है, जनरल EWS OBC के लिए फॉर्म भरेंगे तो आपका जो 595 रुपए एप्लीकेशन फी है, SC ST विकलांग के लिए 295 रुपए। अगर F2W ग्रेड के लिए फॉर्म भरेंगे तो इसमें आपका जो है 486 रुपए फी है जनरल OBC को, और SC ST विकलांग को यहाँ पे 236 रुपए आपको यहाँ पे फी देखने को मिलेगा। फॉर्म भरने से पहले ये सब डॉक्यूमेंट्स आपको जो है यहाँ पे मांगे जाएंगे, आप यहाँ देख सकते हैं। तो अभी आप यहाँ पे देखेंगे इस प्रकार से आपका जो है ये फॉर्म का पोर्टल है, आप यहीं से फॉर्म को भरेंगे, जहां से आपको फॉर्म को अप्लाई करने का लिंक दिया गया है। आप NCL की वेबसाइट पे भी आएंगे तो यहाँ पे आपको रिक्रूटमेंट पेज पे भी आपको ये नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा, आप वहां से भी जा सकते हैं, या मैंने आपको लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है, क्लिक करके यहाँ पे आ सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, न्यू यूजर रजिस्टर हेयर का ऑप्शन मिलेगा, आप इस पे क्लिक करेंगे, अपना नाम लिखेंगे, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, किसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे आपको देखिए ऑप्शन आ जाते हैं। जो भी आप पद के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो आप पद यहाँ पे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे इस कैप्चा कोड को मतलब ये काउंट करना है और यहाँ लिखना है और रजिस्टर पे क्लिक करना है। रजिस्टर पे क्लिक करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको जो है एक इस प्रकार से वेलकम करके आ जाता है। यहाँ पे बोला जाता है कि आपके मेल आईडी पे ना एक लिंक भेजा गया है, उस लिंक पे क्लिक करके आप जो है बाकी के स्टेप को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए हम मेल को चेक कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरे पास इस प्रकार से जो है मेल आ चुका है, डू नॉट रिप्लाई वाला इस तरह से मेल आपको मिलेगा, रजिस्ट्रेशन स्टेटस का ऑप्शन मिलेगा। अगर आपको नहीं मिलता है ना तो आप यहाँ मोर पे जाएंगे, स्पैम का ऑप्शन मिलता है, स्पैम चेक करेंगे, ऑल मेल, इसके अलावा ट्रांस, बहुत सारे आपको मेल देखने को मिलते हैं, इसमें से कोई भी मेल को जरूर बार बार क्लिक करके चेक करेंगे, आपको कहीं ना कहीं मेल मिल जाएगा, ऑल मेल का भी ऑप्शन है। चलिए, इसमें क्या है ना कि एक लिंक इनके द्वारा शेयर किया गया है,
आपको क्या करना है, इस पे क्लिक करना है और आपका लॉगिन आईडी पासवर्ड भी दिया गया है यहीं पे, तो आप इस पे क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे सीधे जो है हमको रिडायरेक्ट कर देगा एक दूसरे वेबसाइट पे। अब हमको लिख रहा है कि कांग्रेचुलेशन, आपका नाम लिखे, अकाउंट हैज बीन एक्टिवेटेड, यानी जो है लिंक पे क्लिक करते ही हमारा अकाउंट एक्टिवेट हुआ है। अब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारा लॉगिन पेज ओपन होगा, हम आपको इसे क्लोज करना होगा और लॉगिन पासवर्ड लिख के लॉगिन करेंगे। लॉगिन करते ही फ्रेंड्स इस प्रकार से आपको एडवाइस करा जाएगा कि आपको जो है इतने सारे ऑप्शंस को कंप्लीट करने हैं। यहाँ पे आपको देखिए ऑप्शन है होम का, पर्सनल का, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, अप्लाई फॉर पोस्ट, फी, अपलोड और लॉग आउट, इतने सारे जो है कंप्लीट करने आपको एप्लीकेशन को। अब यहाँ पे आपको डिक्लेयर करना है, एडवर्टाइजमेंट को पढ़ना चाहते हो तो व्यू करके पढ़ सकते हैं। यहाँ पे आपको जो है प्रोसीड का ऑप्शन मिलेगा, इस पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे अब आपको जो अपना फादर्स नेम, यहाँ आधार नंबर, आपके पास एक्सपीरियंस है, सॉरी एक्स सर्विस मैंने तो यस करेंगे वरना नो करेंगे, विकलांग है तो इसमें से बताएंगे वरना आप इसे नो करेंगे। अब यह पूछ रहे आर यू फॉर्मर एम्प्लॉय ऑफ NLCIL, अगर आप इस कंपनी में ऑलरेडी पहले से इंप्लॉय है तो यस करेंगे वरना नो करेंगे। आर यू सर्विंग इंप्लॉय है तो यस करेंगे वरना नो करेंगे। यहाँ पे आपको प्रॉपर एड्रेस लिखना है, हाउस नंबर नहीं पता है तो जीरो भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप जैसे गांव से बिलोंग करते हैं, गांव में जिस प्रकार से एड्रेस होता है विलेज यहाँ लिख सकते हैं आप। हाउस नंबर नहीं पता है तो विलेज यहाँ लिख दीजिए, यहाँ विलेज मान लीजिए रामपुर है तो रामपुर लिख दीजिए, पोस्ट मान लीजिए आपका रामपुर ही है तो रामपुर आप लिख देंगे, थाना आपका मान लीजिए रामपुर है तो ऐसे आपको लिख दीजिए। अगर पता है सारी जानकारी हाउस स्ट्रीट लोकेलिटी तो आप बताइए, वरना इसे जैसे मैंने बताया वैसे लिख दीजिए। सिटी जहाँ से बिलोंग करते हैं उसको लिखिए, फिर यहाँ पे जो है तालुक या मंडल, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड, ये सब आपको प्रॉपर अच्छे से लिखना है। उसके साथ आपको नीचे आना है, मोबाइल नंबर आपका शो होता है नीचे में। अब यहाँ पे आपको जो है परमानेंट एड्रेस पूछ रहा है, अगर सेम इसको टिक करेंगे सेम कॉपी हो जाएगा, अलग है तो अलग अलग आप लिख सकते हैं। यहाँ पे आपको डोमिसाइल स्टेट, किस राज्य के आप निवासी यहाँ पे बता देंगे, अपना डेट ऑफ बर्थ बताएंगे, यहाँ पे आप जेंडर बताएंगे, मैरिड है कि अनमैरिड है, आपका कम्युनिटी क्या है, जनरल है, EWS है, SC ST है, किस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं यहाँ पे आपको बताना है। सब कास्ट आपका कोई है तो बताइए वरना इसे छोड़ दीजिए, मैंडेटरी नहीं है। रिलीजन बताइए, हिंदू मुस्लिम क्या है, आपको लैंग्वेज कौन कौन सी आती है, आप जो भी लैंग्वेज जानते हैं उसको यहाँ लिख दीजिए। रीड राइट स्पीक आपको कर देना है, इंग्लिश भी आती है तो इंग्लिश आप यहाँ लिख सकते हैं, और कोई लैंग्वेज आपको आती है तो उसको आप लिख सकते हैं, नीचे में और भी बॉक्स बना हुआ है। यहाँ पे आपको पूछ रहा है हैव यू एवर बीन कन्विक्टेड, आपको कन्विक्टेड किया गया है किसी न किसी कोर्ट के द्वारा, नो या यस कर सकते हैं। आपको अगेंस्ट कोई जो है केस पेंडिंग वगैरह है, यस नो में आपको बता देना है। अब यहाँ पे आपसे पूछते रहे आर रिलेटेड टू एनी इम्प्लॉई, अगर आप किसी इम्प्लॉई के रिलेटेड हैं तो यस करेंगे वरना नो करेंगे, अगर यस करेंगे तो उसकी जानकारी बताएंगे। यहाँ पे पूछ रहा है आर यू प्रोजेक्ट अफेक्टेड पर्सन, अगर आप इस प्रकार के पर्सन है तो यस करिए वरना इससे भी आप नो करेंगे। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि हैव यू बीन कैंडिडेट्स फॉर एनी अदर पोस्ट, अगर आप लास्ट वन ईयर से किसी दूसरे पोस्ट पे काम कर रहे हैं NLC में तो आप यस करेंगे वरना नो कर देंगे। फिर यहाँ पे आपको सेव कर देना है, सेव करते हैं फ्रेंड्स डाटा सेव हो जाता है। अब आपको यहाँ पे जो है नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करते हैं फ्रेंड्स, अब आपसे जो है क्वालिफिकेशन के बारे में पूछेगा, तो यहाँ पे 10वीं क्लास के बारे में पूछ रहा है, 10वीं का स्कूल का नाम बताइए, बोर्ड का नाम बताइए, मीडियम बताइए, कौन से मीडियम पढ़ाई किया है, कौन से मंथ ईयर में आपका पासिंग है, मार्क्स कितना है, और आप यहाँ पे उसके सर्टिफिकेट को या मार्कशीट को आप अटैच करेंगे। हैव यू स्टडी लोकल रिलीजियन लैंग्वेज, उड़िया अगर आपने पढ़ा हुआ है सब्जेक्ट इन स्टडी 10th लेवल पर तो आप यस करेंगे वरना इसे आप नो करेंगे और यहाँ सेव करेंगे। फिर 12वीं के बारे में पूछ रहा है, स्कूल का नाम, बोर्ड का नाम, मीडियम और कौन से मंथ ईयर में पास है, परसेंटेज, उसका मार्कशीट को आप यहाँ पे क्या करेंगे अटैच करके सेव कर लेंगे इसको भी। फिर जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, मतलब जिस पद के लिए फॉर्म भरे उसके लिए जो भी एसेंशियल क्वालिफिकेशन है अब उसके बारे में बताना है, तो यहाँ क्लर्क असिस्टेंट के लिए मैंने चूज किया था स्टार्टिंग में, डिग्री आपने किया हुआ है, यहाँ पे आपको एनी डिसिप्लिन आ जाएगा, यहाँ पे कॉलेज का नाम, यूनिवर्सिटी का नाम, कौन से मंथ ईयर में पास है, कोर्स का ड्यूरेशन 3 साल का था कि 4 साल का था, फिर रजिस्ट्रेशन नंबर, सर्टिफिकेट नंबर, आपको दोनों में से कोई एक बता देना है, कितना परसेंट आपको मिला हुआ है, जैसे एग्जांपल यहाँ देखिए दिया हुआ है तो जो भी आपका परसेंटेज मिला है आप यहाँ पे बता देंगे। फिर यहाँ पे आपको बताना है नीचे में आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स आपको 2 MB से कम फाइल में आपको अटैच करना है, PDF में होना चाहिए, तो जो भी आपका सर्टिफिकेट है डिग्री वाला उसको आप यहाँ पे अटैच करके सेव कर लेंगे। सेव करते ही डाटा सेव हो जाएगा, फिर आपको नेक्स्ट करना है। हाँ एक चीज यहाँ पे क्वालिफिकेशन में जब आप यहाँ पे नो करेंगे ना तो यहाँ पे बोल रहा है कि आपको जो है ना 10वीं लेवल पे आपको लोकल जो रीजनल लैंग्वेज या लोकल जो लैंग्वेज है जहाँ ये जॉब लोकेशन होने वाला है वहाँ का लोकल लैंग्वेज उड़िया है, तो उड़िया आप जो है कम से कम मैट्रिक स्तर तक पढ़े होने चाहिए, 10वीं स्टैंडर्ड तक पढ़े होने चाहिए, तो यहाँ पे अगर आप नो करेंगे ना तो ये सेव नहीं होगा, लिखेगा कि यू आर नॉट एलिजिबल, तो इसको यस करना ही पड़ेगा। यानी जो कैंडिडेट्स ये लैंग्वेज जानते हैं वही लोग फॉर्म भर सकते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे सेव किया, सब चीज सेव हो गया, अब यहाँ पे नेक्स्ट का बटन आएगा, नेक्स्ट करेंगे आगे प्रोसेस हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको जो है ना क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस पार्टिकुलर्स आपको इसको टिक कर लेना है, और यहाँ पे आपको अगर कहीं एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस के बारे में यहाँ पे मांग रहा है, फिलहाल हम इसे टिक किए हुए हैं, एक्सपीरियंस तो एक्सपीरियंस में बता सकते हैं, अब देखते हैं आगे बढ़ता है कि नहीं, हम इसे जो है नेक्स्ट करते हैं।
ये देखिए प्लीज वेरीफाई द डाटा इंटरपर्सनल, ओके करेंगे। अब यहाँ पर बोला कि डाटा वेरीफाई करिए, पोस्ट अप्लाइड फॉर क्लर्क ईयर, डिसिप्लिन यहाँ पे इस तरह से आएगा, आप चूज कर लीजिएगा एनी डिसिप्लिन, फिर इसको टिक करना फिर से, और यहाँ पे प्रीव्यू आपको क्लिक करके देख लेना कि हाँ ये सारा जानकारी जो मैंने दिया है सब चीज सही नहीं, अगर इसमें कुछ भी गलती से सुधारिएगा, नहीं गलती है तो इसको चूज करने के बाद से अप्लाई कर दीजिएगा, ये आपका जो है ओके कर देना है। अच्छा इस प्रकार से आ रहा है, हम इसको चूज करेंगे फिर ये होगा आपका, यू हैव ऑलरेडी अप्लाइड, अच्छा अप्लाइड हो चुका है, हम इसे प्रीव्यू अब करेंगे, हमारा अप्लाई हो जाने के बाद से प्रीव्यू करेंगे, प्रीव्यू हो जाने के बाद से यहाँ पे आपको जो है ना फी डिटेल्स पे क्लिक कर देना, आपको अब कुछ करना ही नहीं है, अब दोबारा आप चूज करने जाएंगे तो अप्लाई नहीं होगा, फी डिटेल्स पे क्लिक करिए। अब यहाँ पे आपको जो भी है देखिए एप्लीकेशन जो भी आपका है यहाँ पे शो हो रहा है किसके लिए आपने अप्लाई कर दिया है, नोट पैड है। अब यहाँ पे आपको फी जमा करना है, फी आपको यहाँ पे देखिए नीचे ऑप्शन मिल रहा है कि आपको SBI कलेक्ट की वेबसाइट से जाके जो है फी जमा करना है, आप यहाँ पे जो है गाइडलाइंस पे क्लिक करेंगे, आपका गाइडलाइंस यहाँ ओपन हो जाएगा, आप गाइडलाइंस को अच्छे से पढ़ेंगे किस प्रकार से आपको फी जमा करना है, इन्होंने स्टेप बाय स्टेप सारी जानकारी को बताया हुआ है कि कैसे क्या करना है, किस तरह से क्या चूज करेंगे, आगे क्या प्रोसेस आएगा और किस तरह से आपको जो है यहाँ पे चुनाव करके फॉर्म को अप्लाई करके और एप्लीकेशन नंबर यहाँ देखिए आएगा सब, ये भरने का फी वगैरह सब आपको बताना है खुद से और फी आगे चल के जमा कर देना है। फी जमा करने के बाद से आपको जो है अपलोड वाले सेक्शन पे आ जाना है, अपलोड सेक्शन पे आने के बाद से यहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए गए हैं मतलब मांगे गए हैं वो सब डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड कर देना है। अपलोड करने के बाद से नीचे में आपको सबमिट का बटन मिलेगा, आप सबमिट कर देंगे तो सारा डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा जो भी यहाँ पे मांगा गया है, सारा फाइल साइज वगैरह सब चीज यहाँ पे दिया हुआ है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमने बात किया कि NLC इंडिया लिमिटेड में कैसे आपको फॉर्म को अप्लाई करना है, आपके मन में अगर कोई भी डाउट है कमेंट है आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा फ्रेंड्स, मिलते हैं फ्रेंड्स किसी नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।